दोस्तों, आज भी इस दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो जगह आज भी कई रहस्यों और मिस्ट्रीज से भरी हुई हैं। और ऐसी 10 रहस्यमय जगहों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आइए जानते हैं। फियरी सर्कल्स, नामीबिया। रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके दिमाग में रेत यानी कि सैंड की इमेज आ जाती होगी, लेकिन दोस्तों फियरी सर्कल्स सिर्फ नामीबिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के नामीबिया में एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसे नामीबिया डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। नामीबिया रेगिस्तान दुनिया के बाकी रेगिस्तान से थोड़ा अलग है क्योंकि नामीबिया रेगिस्तान में अनगिनत सर्कल्स पाए जाते हैं जो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इन्हीं सर्कल्स को फियरी सर्कल्स का नाम दिया गया है। ये फियरी सर्कल्स 1100 माइल्स की जमीन पर फैले हुए हैं। इन सर्कल्स का डायमीटर 7 से 49 फीट तक का पाया गया है। इन सर्कल्स की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सर्कल्स के सर्कमफेरेंस यानी चारों तरफ पर घास उगी हुई होती है। इन सर्कल्स के बनने पर बहुत से डाउट्स रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये शायद टर्माइट्स की वजह से बन गए हैं या फिर नेचुरली ही घास सर्कुलर मोशन में उग गई है। वैसे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको रेगिस्तान का ये सरफेस चांद के सरफेस की तरह लग रहा है। द ग्रेट ब्लू होल, बलीज, सेंट्रल अमेरिका। द ग्रेट ब्लू होल सेंट्रल अमेरिका के बलीज शहर के समंदर में पाया जाता है। दोस्तों, ग्रेट ब्लू होल असल में एक मरीन सिंक होल है जिसे आप एक समंदरी गड्ढा भी कह सकते हैं। इस होल की शेप सर्कुलर है जिसका कुल सरफेस एरिया 70,650 स्क्वायर मीटर्स है। इस होल की हैरान करने वाली बात यह है कि इसका पानी बाकी के समंदर के पानी के मुकाबले में बहुत साफ है, जहां पर अक्सर लोग स्कूबा डाइविंग करने के लिए आते हैं और इस जगह पर लोगों को बहुत ही अलग बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। इस ग्रेट ब्लू होल का डायमीटर 1043 फीट है और इसकी गहराई लगभग 407 फीट है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये गड्ढा हजारों सालों के फॉर्मेशन के बाद बना है। ऐसा भी माना जाता है कि ये ब्लू होल असल में पहले एक आइलैंड हुआ करता था जो जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से एक गड्ढे में तब्दील हो गया है। दोस्तों, ये जगह टूरिस्ट को बहुत पसंद आती है क्योंकि ये वाकई में बहुत खूबसूरत है। मोरिकी बोल्डर्स, न्यूजीलैंड। दोस्तों, ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आ रहे हैं इन्हीं को मोरिकी बोल्डर्स कहा जाता है। ये बोल्डर्स न्यूजीलैंड के कोकोहे बीच पर पाए जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये पत्थर लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने हैं। हर एक बोल्डर का वजन लगभग 1 टन के बराबर है और एक बोल्डर की ऊंचाई लगभग 2 मीटर की है और डायमीटर भी 2 मीटर का ही है। माओरी के पुराने लोगों के मुताबिक ये बोल्डर्स असल में किसी टूटे हुए शिप के टुकड़े हैं जो समंदर में तैर तैर के बीच के किनारे पर पहुंच गए हैं। ये बोल्डर्स ऊपर से ग्रे कलर के नजर आते हैं लेकिन ये अंदर से और भी ज्यादा रहस्यमय लगते हैं। अगर आप किसी टूटे हुए बोल्डर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अंदर से रेडिश हैं, जो वाकई हैरान करने वाली बात है। खैर दोस्तों, हर साल लाखों लोग स्पेशली इन बोल्डर्स को देखने के लिए कोकोहे बीच पर जाते हैं। ये बोल्डर्स टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। प्लेन ऑफ जार्स, लाओस। दोस्तों, प्लेन ऑफ जार्स लाओस के शियांग खावेंग का एक मेगालिथिक आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप है। प्लेन ऑफ जार्स पर एक ही जगह पर हजारों पत्थरों के जार्स फैले हुए हैं। ये जार्स असल में आयरन एज के माने जाते हैं, जिस हिसाब से ये जार्स आज से लगभग 1500 से 2000 साल पुराने हैं। इन जार्स की हाइट 3 फीट से लेकर 10 फीट तक की है और वजन लगभग 10 टन का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन जार्स को लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनकी बॉडी अच्छे से डीकम्पोज हो जाए। इन जार्स की शेप सर्कुलर और रेक्टेंगुलर है। इन जार्स के साथ साथ डिस्क जैसे स्टोन्स भी लाओस में पाए जाते हैं जो असल में इन जार्स को ढकने का काम करते हैं। इसके अलावा इन जार्स के बारे में एक और कहानी बहुत मशहूर है। लाओस के लोगों के मुताबिक एंशियन टाइम के राजा हर जंग को जीतने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए इन जार्स के अंदर वाइन को स्टोर करते थे। टूरिस्ट लाओस के इन प्लेन ऑफ जार्स को देखना बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट इन प्लेन ऑफ जार्स को आयरन एज सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट एविडेंस मानते हैं। लेक मैराकाइबो, वेनेजुएला। लेक मैराकाइबो वेनेजुएला के नॉर्दर्न इलाके में मौजूद है, जिसे स्पेनिश में लागो दे मैराकाइबो कहा जाता है। ये लेक साउथ अमेरिका की सबसे पुरानी और अर्थ की ओल्डेस्ट लेक्स में से एक है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये लेक एंडीज माउंटेन में से 36 मिलियन ईयर्स पहले बनी थी। दोस्तों, ये लेक अपने आप में बहुत खास है। असल में दोस्तों, मैराकाइबो लेक और उसके पास की लैंड ऑयल और गैस का बहुत अच्छा रिसोर्स है। बल्कि मैराकाइबो लेक तो वेनेजुएला के ऑयल प्रोडक्शन का इकलौता साधन है, लेकिन मैराकाइबो लेक असल में एक और चीज के लिए बहुत मशहूर है। दरअसल दोस्तों, मैराकाइबो लेक पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। इस लेक के ऊपर हमेशा काले घने बादल छाए रहते हैं और रोज रात को यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली गिरती है। लेक मैराकाइबो में 1 मिनट के अंदर 28 बार बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने के इस फिनोमेना को काटाटुम्बो लाइटिंग कहा जाता है। सलार दे यूनी, बोलिविया। सलार दे यूनी असल में बोलिविया का एक बड़ा नमक का मैदान है। ये चिली के बॉर्डर के पास लोकेटेड है। सलार दे यूनी लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है,
जो इस दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। ये नमक का मैदान असल में बहुत पुरानी लेक्स के फॉर्मेशन से हुआ है, जो लगभग 40,000 साल पुरानी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये लेक्स इवेपोरेट हो गई और सिर्फ नमक का मैदान रह गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सलार दे यूनी में सॉल्ट के साथ साथ लिथियम भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सलार दे यूनी को दुनिया का सबसे बड़ा मिरर भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप इसे देखेंगे तो इस मैदान में आपकी रिफ्लेक्शन एकदम साफ दिखाई देगी। इस मैदान में खड़े होने पर लगता है कि जैसे आप आसमान पर खड़े हैं। आपको बता दें कि सलार दे यूनी बोलिविया की सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तियांजी माउंटेन्स चाइना। तियांजी माउंटेन्स साउथ सेंट्रल चाइना के हुनान रीजन में है। तियांजी माउंटेन्स अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। आप इन तस्वीरों में इन माउंटेन्स को देख ही सकते हैं। तियांजी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी को कुनलुन पीक कहा जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई 1,262.5 मीटर यानी 4,142.2 फीट है। इस माउंटेन का नाम चाइना की मिंग डायनेस्टी के एक फार्मर शियांग वांग तियांजी के ऊपर रखा गया है। तियांजी माउंटेन्स में ग्रीन स्टोन्स भी पाए जाते हैं और तौर इस वैली का मौसम भी रिगरसली। फ्लाइंग गीजर नेवाडा। दोस्तों, फ्लाइंग गीजर यूएस के नेवाडा में है। फ्लाइंग गीजर एक नेचुरल गर्म पानी का झरना है, जो असल में गलती से डिस्कवर हो गया था। दरअसल दोस्तों, एक बार एक आदमी खेती करने के लिए खुदाई कर रहा था, जब अचानक से जमीन में से गर्म गर्म पानी निकलने लगा, जिसका टेम्परेचर लगभग 200 फ़ारेनहाइट था, जिसके बाद इस पानी ने एक झरने का रूप ले लिया था। आज के वक्त में ये फ्लाइंग गीजर लगभग 74 एकड़ में फैला हुआ है। ये फ्लाइंग गीजर देखने में बहुत सुंदर लगता है। 2016 में बर्निंग मैन प्रोजेक्ट ने इस फ्लाइंग गीजर समेत आसपास के लैंड को $6.5 मिलियन में खरीद लिया था, जिसके बाद उन्होंने इस जगह पर आने के लिए सिर्फ कुछ ही लिमिटेड लोगों को एक्सेस दिया है। ड्रैगन ब्लड ट्री यमन। आपने इंसान और जानवरों के शरीर में से तो अक्सर खून निकलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जिसके अंदर से खून निकलता है? दरअसल दोस्तों, यमन देश के सोकोट्रा आइलैंड में ड्रैगन ब्लड नाम का पेड़ है, जिसके अंदर से वाकई में खून निकलता है। इस पेड़ को सोकोट्रा ड्रैगन ट्री भी कहते हैं। इस पेड़ की शेप किसी अम्ब्रेला की तरह होती है। असल में इस पेड़ के अंदर से लाल रंग का एक रस निकलता है, जिसे लोग खून बोलते हैं। वैसे इस लाल रंग के रस से इंसान के खून में बनने वाली बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। इसके अलावा इस रस का इस्तेमाल लोबान वाले आइटम बनाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, इस रहस्यमय पेड़ को देखने के लिए हर साल लाखों लोग यमन जाते हैं। आइस केव आइसलैंड। आपने मूवीज में तो बहुत बार बर्फ की गुफा देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं एक बर्फ की गुफा असल में एग्जिस्ट करती है? आइसलैंड में एक ऐसी गुफा है जो पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गुफा 320 फीट से भी ज्यादा गहरी है। दोस्तों, इस गुफा के अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है, इतना कि कोई भी इस गुफा के अंदर 30 मिनट से भी ज्यादा नहीं रुक सकता है। दोस्तों, जैसे बर्फ कभी पानी जैसी नजर आती है तो कभी बादल जैसी, ठीक उसी तरह इस गुफा का कलर भी अक्सर बदलता रहता है। कभी तो ये गुफा नीली दिखाई देती है, तो कभी एकदम दूध जैसी सफेद दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।